अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो कलर देख रहे हैं ना डाई, मैंने कुछ दिन पहले किया था, तो मुझे इसको चेंज करना था। चेंज इस तरह करना था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा येलो येलो टाइप का ना लग रहा था, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा ना डिसेंट कलर आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया आप सबको बताऊँगी। 2000 मैंने नंबर लिया जी, और मैंने अपने ही तरीके से इसे करना चाह कि मुझे कट डाउन ना यूज़ करना पड़े। 2000 के अंदर बूस्टर भी होता है, दो उसके साशी होते हैं जो कि मैं आपको सामने दिखा दूँगी। मैंने ये पूरी ट्यूब ली है 2000 की, और इसके साथ जो जो मैंने चीज़ें अप्लाई की हैं वो आपने देखना ज़रूरी, क्योंकि इसके साथ ये होता है कि कट डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप बूस्टर डाल लेते हो। लेकिन मैंने सिर्फ बूस्टर निकाल दिया था कि मेरे बाल ज़्यादा टेक्सचर ख़राब ना हो। 08 है जो कि ब्लू जो है एंटी ब्लू है, जो कि आपकी येलो पिगमेंट को ख़त्म करता है 20 वॉल्यूम में। ये तीनों चीज़ें ली और इनको मतलब बाउल को अपने अच्छे तरीके से ब्रश को सुखा लेना है, साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने ये 2000 कलर निकालना है। फिर मैंने 08 निकाला, और ये तकरीबन मैंने 3 इंच के करीब मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि ये मैं ये जो गोल्डन ज़्यादा येलो है ना, ये मैं थोड़ा लाइट करूँ, ज़्यादा नज़र ना आए, मेरा ऐश की तरफ थोड़ा चला जाए ना, मुझे ये बड़ा बुरा सा लग रहा था आँखों को ना। खैर ये सबको पसंद बड़ा आया था, लेकिन मुझे पत्नी क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को करना था मिक्स करके, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको मिक्स किया। ये 20 वॉल्यूम मैंने डाला आपके सामने, पूरी मैंने बोतल इसको डाल दी और इसको अप्लाई कर लिया। 40 मिनट्स के बाद मैंने अपना ये रिमूव किया और आपके सामने ये रिजल्ट है। अब कितना अच्छा लग रहा है जी। तो फिर दो में याद रखिएगा।